आज हम सद्य प्रकाश लाल जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। सद्य प्रकाश लाल जी आज से दस साल पहले हो गया, वैसे 30 जुलाई 2010 को हमारे बीच नहीं रहे थे। आखिर तक कर्मशील जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में दाखिल हैं। 2-3 दिन के लिए उनका भर्ती होना पड़ा, वरना उन्होंने कभी भी जिंदगी भर कोई दवाई नहीं खाई थी। मजे की बात यह है और आखिर तक वो योग वाली बातें कर रहे हैं, संस्थान जैसा कर देना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। उनकी अंतिम इच्छा थी, आमतौर पर सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिले, मोक्ष मिल जाए, मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, जाकर उन देवी देवताओं में जाकर मिल जाऊं। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं दोबारा भक्ति कराना चाहता हूं, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए जो मुझे दोबारा जन्म न दे, मुझे दोबारा इस धरती पर यानी कि भारतवर्ष में आना चाहता हूं और आकर के भारतवर्ष की भारतीय संतान की फिर से सेवा करना चाहता हूं। ऐसे थे उनके अंतिम इच्छा। वाकई महान थे और उन्होंने कल्पना कर ली थी कि ये जो ग्रस्त, ये जो योगी हैं जो कि गुफाओं में काम कर रहे हैं, गुफा में साधना कर रहे हैं, हम क्यों ना इसका जो फार्मूला है, योग का जो फार्मूला है, योग हमारी संस्कृति है, इसको क्यों ना यहाँ पर अपनाएं और ग्रस्त योगियों को योगी बनाएं, ताकि ये शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, अध्यात्म तौर पर भी ठीक रहें। ये उनका सपना था और उन्होंने साकार किया। और उसका सपना एक और भी था कि हमारा भारत देश जो विश्व गुरु बन जाए, और वाकई में विश्व गुरु बन गया जब मोदी जी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय योग रूप का दिखाया, मार्ग दिखाया। 21 जून को भी हम मनाते हैं। ऐसे महान आत्माएं जो है वो कभी दिवंगत नहीं होती हैं, वो सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहती हैं। जैसे अभी बताया गया था कि वो सुख दुख में भी, साथियों के सुख दुख में भी आया करते थे, मिला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक अधिकारी थे जो बसई दारापुर में, मान सिंह जी उनका नाम है, कि उनका कोई कार्यक्रम था, सुख वाला कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ पहले, तो वो भीगते हुए आए थे। वो दिन बारिश भी हो गई थी तो भीगते वहां पर आए थे मान सिंह जी के यहाँ पर। और उसके बाद दुख वाली बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये कह रहा है ना, सुख दुख में तो दुख वाली बात ये थी, मेरे जो ब्रदर, छोटा ब्रदर था, वो दुनिया में नहीं है, तो उनकी उठावनी में वो आए थे खुद, यानी कि इतने पूरे भारतीय संस्थान के प्रधान होने के बावजूद भी जिनको समय नहीं मिलता था, पर बात करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो हमारे जो सुख दुख की भागी के बारे में बात करी है ना, तो मैं उसको बताने आ रहा हूँ कि वो दुख में भी आते थे। हमारे एसपी गुरु थे, उनके माता जी की जब उठामनी थी तब भी वो आए थे, तो वो सुख दुख में भी आया करते थे और कहा करते थे कि जो साधक हैं उनके परिवार से मिला रहे, मिलते रहे, और जो भी बात साधुओं से कहना है ना, पहले अपने ऊपर लागू करो, ये नहीं कि हम दूसरों को तो कह दें और अपने ऊपर लागू ना करें। तो आइए, उनके जो आचरण थे, उनका जो व्यवहार था, उनका जो उपदेश था, जो उन्होंने सपना सजाया, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि गृहस्थी सन्यासी बन, गृहस्थी सन्यासी बन, जिसने सपना एक सजाया, संस्कृति के अटूट अंग, संस्कृति के अटूट अंग, योग को निज आधार बनाया, योग ही है जीवन की कला, योग ही है जीवन की कला, सबको ये भाव समझाया, जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो का संदेश चारों ओर फैलाया, भारत का सर ऊंचा हो, भारत का सर ऊंचा हो, इसलिए भारतीय योग संस्थान बनाया, निस्वार्थ भाव की मिले प्रेरणा, ऐसा सेवा शंख बजाया, ऐसा सेवा शंख बजाया। बहुत बहुत धन्यवाद।